कश्मीर दा डोला मेरी जान हो गया। यूके दा पटोला मेरी जान हो गया। कश्मीर दा तो आपके सामने ये नजर आ रही है 8 टरबाइन लगी हुई है, 8 टरबाइन, ठीक है। इसमें से सिर्फ एक वक्त जो है ना, एक टरबाइन काम कर रही है। सारी जो बिजली है ये मतलब पानी की रफ्तार से जो है ना बिजली पैदा की जा रही है। जुराबे किधर है अम्मी? ए छुपे, इधर ही पड़ी है, ये देखो। किधर पड़ी है? तो भाई, जिस चीज़ की आज वीडियो बनानी है मैंने, उसके लिए मैंने बहुत वेट किया है और काफ़ी परमिशन ली है। तो फाइनली हमें परमिशन मिली है, मेरे भाई कैसर और मैं जा रहे हैं। तो वीडियो आपको किस बारे में या आगे जाके बताएंगे। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो मैंने अभी फ़िलहाल आप भाई कैसर को पिक करना है उसकी शॉप से, तो चलें उधर चलते हैं। कैसर भाई के बस अभी ये अपनी शॉप से निकले हैं और अभी इनसे मुलाकात करके आपको इंशाल्लाह ले जाएंगे। टाइम पे आ गया हूँ मैं। जी, टाइम पे आ गए हैं। चलाओ फिर बाइक। टाइम पे आए हैं आप। अभी आप वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये भी आपको बताएंगे किधर जा रहे हैं। जी व्यूअर्स, आपके घर लाइट तो आती होगी? नहीं। क्या आपको पता है कि लाइट बनती कैसे है? ये मैं आपको बताऊंगा। ये मैं आज जा रहा हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे बिजली बनती है और ये बिल्कुल मंगला डैम के नज़दीक है, ठीक है। मेरे भाई कैसर साथ हैं, क्या हाल है? ठीक हो? तो अभी हम बाइक पर जा रहे हैं, अपना सफ़र स्टार्ट किया है। तो मंगला पावर स्टेशन आप कहते हैं, मंगला पावर हाउस, वहाँ पे हम जा रहे हैं। वो आपको सारा विजिट कराएंगे, बिजली कैसे बनती है सारा कुछ आपको दिखाएंगे और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और हाँ, इसमें अगर अंदर जाने के लिए आपको काफ़ी मतलब परमिशन लेनी पड़ती है। हमें 3-4 महीने लगे थे परमिशन मतलब करते करते ना, हम दो का पास बना था, पास लेना पड़ता है इनका। ये मंगला का खूबसूरत रोड और ये देखिए ये बड़ी जो पहाड़ी नज़र आ रही है आपको, पहाड़ इसके साथ नीचे है वो मंगला पावर हाउस। जो दीवार नज़र आ रही है इसके राइट साइड पर पावर हाउस है। तो अभी बस हम थोड़ी देर में दाखिल होने वाले हैं, होने वाला हूँ। सिक्योरिटी इशू की वजह से अभी कैमरा बंद करते हैं और डायरेक्ट आपको मिलते हैं अंदर पावर हाउस में। तो व्यूअर्स, फाइनली अभी हम सिक्योरिटी इशू को क्लियरेंस करके अभी हम आ चुके हैं मंगला पावर हाउस में। बड़ी मुश्किल से यार, बड़ा लंबा काम है ये तो सिक्योरिटी वाला। ये चीज़ भी तो फिर काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, ज़ाहिर है। अगर इस मुल्क की मतलब इलेक्ट्रिक सिटी है, अगर इसका भी राज वगैरह या कुछ सिक्योरिटी को खतरात हों तो फिर क्या फिर फ़ायदा। ऐसे ही है, राज राज होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें जी, ये मेन रोड आ रहा है मंगला पावर स्टेशन से। ये सीधा सीधा रोड आपको मंगला पावर स्टेशन की तरफ ले जाएगा। डैम से पानी आगे की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अंदर बन रही है। ये आप देख सकते हैं एक पूरा व्यू, ये इनका मेन ऑफिस है मंगला पावर स्टेशन का। आपको छोटे छोटे टर्बाइन से टाइप जहाँ से पानी वगैरह निकल रहा है, जब ये घूमते हैं चलते हैं तो पानी का प्रेशर उधर तक जाता है, तकरीबन वहाँ तक इतना प्रेशर होता है बिजली का, मतलब जब बिजली बनती है। तो अभी तो बंद है। और ये इनका दफ्तर है, ऑफिस ऑफ द रेजिडेंट इंजीनियर का दफ्तर है मंगला पावर स्टेशन। वो ये वो जगह है गाइस जहाँ पे बिजली स्टोर होती है, ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, यहाँ से बिजली स्टोर होती है पानी के ज़रिए और ऐसे ऐसे हमारे ये जो खंभे लगे होते हैं बड़े बड़े उसमें जाती है, मतलब कन्वर्ट होती है, तो ऐसे बिजली बनती है पानी से। ये देख सकते हैं आप, अभी हम दूसरी साइड पे आ गए हैं इसकी। मंगला पावर स्टेशन के बीचों बीच खड़े हैं अंदर। देखिए आप मशीनरी देख सकते हैं आप,
अगर मैं तो इतनी बड़ी मशीनरी देख के भाई हैरान हो गया हूँ, तो आज पता लग गया कि बिजली के पैदा करने के बड़े राज होते हैं, जो कि फास्ट करने तो नहीं चाहिए, मगर हमने तकरीबन आलमोस्ट कुछ ना कुछ आपको बताया है। कैसे भाई, मज़ा आया? जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमारे तकरीबन जितनी भी वीडियोज हैं उन सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे इस वीडियो में आया है। तो आपके सामने ये नज़र आ रही हैं 8 टरबाइन लगी हुई हैं, 8 टरबाइन, ठीक है। इसमें से सिर्फ एक वक्त जो है ना, एक टरबाइन काम कर रही है, वो आप देख सकते हैं, वो लास्ट में वो लास्ट वाली जिससे पानी नहीं कर रहा, टरबाइन काम कर रही है, ठीक है। बाकी टरबाइन बंद की हुई है, ठीक है। कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, ये सारी हाइड्रो है, तो मतलब इसमें जो मशीन हैं वो सारी चाइना की हैं। ये जो सारी टरबाइन चला के जो बिजली पैदा होती है, तकरीबन 1400 से 1400 मेगावाट बिजली यहाँ पैदा होती है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।